एवरीवन, इट्स न्यू ईयर मॉर्निंग। मैं तैयार हो गई हूँ। आज हम जाएंगे मंदिर, भगवान के दर्शन करेंगे, अच्छे से आपको बहुत सारी प्लेसेस दिखाऊंगी, कौन कौन सी प्लेसेस है, और मैं अपने फैमिली का इंट्रोडक्शन कराऊंगी कि मेरे फैमिली में कौन कौन है, आपको सबसे मिलाऊंगी। आप बने रहिए मेरे व्लॉग में, एंड तक देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। देखिए, हमारी बिल्ली है, ये हमारे घर में पिछले 5 साल से है। जब ये छोटी सी बच्ची थी तब से है ये हमारे घर में। पिल्लू से हाय, पिल्लू से हाय एवरीवन। जैसे मैंने आपको अपनी पिल्लू से मिलाई थी, बिल्ली से, उसी तरह ये हमारे घर का एक भूरा है। ये भी हमारे साथ बहुत दिनों से बना हुआ है और बहुत ही प्यारा कुत्ता है ये, आप देख सकते हैं इसे। अपने घर में आने का मतलब अपने मायके में आने का एक अलग ही फायदा होता है। जब मर्जी कहे घूम लो, कहीं पे भी चले जाओ, मौज मस्ती करो, एंजॉय करो, और बस एंजॉय करते रहो और अच्छे से ज़िंदगी का मज़ा लेते रहो। यही ज़िंदगी है फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह एंजॉय करते रहो हमेशा। ये देखिए मेरी बहन और उसके हस्बैंड को, ये भी चल रहे हैं हमारे साथ। से हाय एवरीवन। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये पूरा कोल का एरिया है। यहाँ पे डंपिंग होती है कोल की, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, कोल माइंस है यहाँ पे। बस यहीं से होते हुए हमें जाने का है। गवर्नमेंट एरिया है, पूरी साइडिंग्स माइंस सब यहाँ से हो सकता है। और इस साइड का अगर देख सकते हैं आप, तो ये पूरा है रेलवे का एरिया, ये पूरा रेलवे डिपार्टमेंट है, और इधर का पूरा हो जाता है कोल डिपार्टमेंट। अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर। आज न्यू ईयर का दिन है, तो आज काफी भीड़ है मंदिरों में, सब आ रहे हैं, देव दर्शन कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं लाइफ का, एंजॉय कर रहे हैं न्यू ईयर में। आप देखिए, हम मंदिर पहुंच गए हैं। आप मंदिर के दर्शन कीजिए और हमें बताइए कि मंदिर आपको कैसा लग रहा है। ये पूरा मंदिर हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, ठंडी हवाएं, बहुत ही अच्छा वातावरण है यहाँ का। आप देखिए और बताइए। ये देखिए मेरे भाई और बहन। ये मेरी मम्मी और पापा, आपको सबसे मिला दी हूँ। ये मेरे पापा है और ये मेरी मम्मी है। मम्मी से हाय। हेलो गाइस। ये देखे मेरा भाई जिम वाला, ये मेरी मम्मा, ये मेरे पापा, ये पापा, ये मेरे मम्मा। सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी। सबको नए साल की हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। चलो मैं आपको अंदर मंदिर के दर्शन कराती हूँ। अंदर बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा भजन चल रहा है, जो कि सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है मन को। ऐसा लग रहा है नया साल की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है। अंदर ये छोटे छोटे कॉर्नर्स बने हुए हैं जिसमें बहुत सारे भगवान स्थापित किए गए हैं। यहाँ पे साईं बाबा, शनि मंदिर है, शंकर भगवान है, एंड ऑल बहुत सारे देवी देवता यहाँ विराजमान है। आप देखिए और बताइए आपको कैसा लग रहा है ये मंदिर। हम हर नए साल यानी कि हर न्यू ईयर में हम यही भगवान के मंदिर आते हैं, यही पूजा पाठ करते हैं, न्यू ईयर की शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से भगवान के पास आते हैं, उन्हें प्रार्थना करते हैं कि हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो, हमारे ऊपर सदा ऐसी कृपा बनाए रखे। बस इसी तरह हम शुरुआत करते हैं दिन की, आगे जाते हैं,
एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, फैमिली को टाइम देते हैं, उनके साथ रहते हैं, कुछ वक्त बिताते हैं। बस इसी तरह हमारा न्यू ईयर का दिन जाता है और बस बहुत ही सब खुशी भाव से अच्छे से रहते हैं। आप देखिए, पूरा ग्रीनरी हर तरफ नजर आएगा आपको। यहाँ पे लोग पार्टी करने भी आते हैं, जिसको पार्टी करना है, फंक्शन करना है, प्रोग्राम करना है, सब यहाँ पे आके करते हैं। देखिए आज यहाँ पे पार्टी चल रही है न्यू ईयर के दिन। आप लोगों का हैप्पी न्यू ईयर, इसी तरह खुश रहिए, नए साल की नई शुरुआत अच्छे से करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए अपनी फैमिली को। और आप देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा सा एरिया दिया हुआ है कि यहाँ पे हम आके पिकनिक बना सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली स्कूल कॉलेजेस के लोग आते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिप बनाते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं। हम इसी तरह बचपन भी हम लोग सेम इसी तरह करते थे, जब जब छोटे थे हम यहीं आते थे, थोड़ा खाना लाते थे अपने घर से और बस यहीं बैठ के छोटा सा ट्रिप एंजॉय। सब कमेंट करके बताना ये व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप हमेशा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को हमेशा इस तरह प्यार दीजिए और इसी तरह सपोर्ट करिए कि मैं नए नए व्लॉग्स आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों को दिखाऊँ और बस बने रहिए हमेशा इसी तरह मेरे व्लॉग। आपको आप देख सकते हैं यहाँ का एक ग्रीनरी नज़ारा, आपको दिखाती हूँ यहाँ से देखो। जब बहुत सारे आपको हरे भरे पेड़ नज़र आएंगे और बस दूर दूर तक ग्रीनरी नज़र आएंगी। आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा ये मंदिर और यहाँ का ये छोटा सा गार्डन। ये देखिए बाहर का एक बैकग्राउंड सा ग्रीनरी नजारा, मतलब इतना सुकून मिलता है ना यहाँ पे, इतना अच्छा नज़ारा है यहाँ का कि बस ऐसा लगता है बैठे रहिए और अच्छा ढेर सारा समय दीजिए यहाँ पे और लाइफ को एंजॉय करिए इसी तरह। इसी तरह मेरे व्लॉग में बने रहिए, इसी तरह प्यार करिए, सपोर्ट करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और सब लोग बाय बोल दो। बाय, हैप्पी न्यू ईयर।